ये प्रोटेक्शन यूज करो टेस्ट करवाओ ऐसा सुना होगा कायदे से होना चाहिए आपने कभी टेस्ट तो नहीं कराया होगा प्रोटेक्शन यूज़ करा होगा जरूर अगर यूज करने की ना बताई होगी तो आई I मीन mean, मौका मिला होगा तो आई मीन गलत बात कट दट इंटरनेट इज फुल ऑफ ट्रो साइंस फेक नॉलेज हाफ इंफॉर्मेशन ऑफ अगेंडा

अडल्ट हो गए हैं अब so, सो अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हैं मल्टीपल पार्टनर्स हैं नहीं भी हैं तो भी सुना ही होगा कि यूज प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन यूज करना है अपना रेगुलर टेस्ट कराना है लोग नहीं बोलते लेकिन कराना चाहिए रेगुलर टेस्ट कराना चाहिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजे से बचना चाहते हैं जल्दी ठीक कराना चाहते हैं तो अति आवश्यक है वरना आप फैला दोगे जाने अनजाने इवन किस करने से भी कई ऐसी बीमारियां हैं जो आसानी से फैल जाती हैं जी हाँ सो so, कई सारे सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस जो हैं उनके कोई साइन सिम्टम नहीं होते कुछ Uh, खतरनाक नहीं भी होती हैं कुछ खतरनाक होती हैं सो लेट्स अंडरस्टैंड क्या क्या है सो so, डाउट्स क्या हो सकते हैं कि भाई कौन कौन से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड टेस्टिंग होती हैं आपको कब कराना चाहिए आपकी उम्र आपके सेक्सुअल बिहेवियर और आपके पुराने रिस्क फैक्टर के हिसाब से डिसाइड होता है बट दैन द बेस्ट वे इज़ टू कंसल्ट अ डॉक्टर ओके okay? सो so, हर बार आपको नहीं करना पड़ेगा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड टेस्टिंग इवन इफ अगर आप अपने गायनोकोलॉजिकल एग्जामिनेशन गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाते हो तो आपको लगता है कि जरूरत है तो आप अपने डॉक्टर से बोल के करवा सकते हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी हिस्ट्री दें कि आप सेक्सुअली एक्टिव है एक्टिव है खासकर अगर आप अनसेफ सेक्स हुआ है तो ठीक है समझते हैं क्या गाइडलाइंस हैं पहला बीमारी कलामेडिया और गोनोरिया अब ये जो कलामेडिया और गोनोरिया है ये Uh, किसके होते हैं कब टेस्ट कराना चाहिए नेशनल गाइडेंस बोलती हैं कि अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हैं और आपकी उम्र जो है पच्चीस साल से नीचे है तो आपको स्क्रीनिंग करना चाहिए इफ़ यू आर अ वुमन ओल्डर देन पच्चीस और अगर आपको रिस्क है यानी कि आपके मल्टीपल पास सेक्शुअल पार्टनर्स हैं या फिर नया पार्टनर आपने कोई अननोन सेक्सुअल पार्टनर है अनसेफ सेक्स हुआ है तो अगर आप एक मर्द हैं और आपके आपने किसी गे आप गे हैं बेसिकली तो करा सकते हैं अगर आपको एच भी है तो आपको कराना होगा और अगर आपको फोर्स किया गया है किसी भी तरीके से इंटरकोर्स करने के लिए या सेक्सुअल एक्टिविटी अगेंस्ट योर विल तो भी आपको एक बारी ग्लेमेडिया और गनोरिया का टेस्ट कराना चाहिए डॉक्टर कैसे करेंगे आपके यूरिन का एक सैंपल लिया जाएगा और आपके पेनिस के अंदर से और सर्विक्स के यानी कि वेजाइना को डायलेट करके अंदर सर्विक्स के अंदर से आपके सैंपल लिया जाएगा स्वाब लिया जाएगा कॉटन सुहाब से और उसका टेस्ट करने के लिए भेजा जाता है उसमें टेस्ट किया जाता है कि भाई क्या है क्या स्क्रीनिंग इज इंपॉर्टेंट अगर आपको और कोई साइन नहीं है तब इतना टेस्ट किया जाता है अगर आपको कोई साइन है कोई मान लीजिए पानी निकलता है सफ़ेद पानी निकलता है चाहे पेनिस से निकले चाहे वेजाइना से निकले उसका टेस्ट किया जा सकता है एच आई वी सिफलिस हैपेटाइटिस ये भी सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं जी हाँ सो so, अब इसके लिए क्या गाइडलाइंस है सी और प्रिवेंटिव गाइडलाइंस कहती हैं कि एच की टे, टे, टेस्टिंग आपके एडलसेंट एज में एक बार बीच में हो जानी चाहिए तेरह से थर्टीन से सिक्सटी फोर के एज के बीच में कभी ना कभी हो जाना चाहिए टेक्निकली जब भी आप हॉस्पिटल में कोई बड़ा ऑपरेशन कराते हैं या कुछ भी ऐसा कराते हैं तो एच की टेस्टिंग होती है पता चल जाता है और यंग टीन्स हैं अगर हाई रिस्क हैं मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं तो कराना चाहिए किसी भी प्रकार की कोई एस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ का का आपको डाउट है तो कराना चाहिए और अगर आप हाई रिस्क पेशेंट्स हैं जैसे आपके बहुत मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर हैं सेक्स वर्कर हैं तो आपको हर साल कराना चाहिए सी डी सी रिकमेंड करती है हेपेटाइटिस सी हेपेटाइटिस सी के लिए स्क्रीनिंग एवरी वन जिसका नाइनटीन फोर्टी फाइव और नाइनटीन सिक्सटी फाइव के बीच में पैदा हुए उनको कराना चाहिए ऐसा बोला गया और इस एज इस ग्रुप में बहुत हाई मानी गई है हेपेटाइटिस सी और उसके अलावा इस हेपेटाइटिस ए और बी की वैक्सीन अवेलेबल है और उसके लिए आपके और बाकी सारे जो हेपेटाइटिस बी और सी जो है उसकी टेस्टिंग ड्यूरिंग ऑपरेशन हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं हॉस्पिटलों में होती रहती है और जो मेन सिफिलिस बीमारी मानते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है उसके लिए Uh, आपको अगर एक से ज़्यादा सेक्सुअल पार्टनर है तब कराने पड़ेंगे ड्रग्स लेते हैं तब कराने पड़ेंगे गे सेक्स हुआ है तो कराना पड़ेगा और अगर प्रेग्नेंट हैं या एच होने के बाद अगर प्रेग्नेंट हो रहे हैं तब कराना चाहिए अगर फोर्सफुल इंटरकोर्स है तब कराना चाहिए और सिफिलिस के लिए आपके डॉक्टर ब्लड सैंपल लेंगे और आपके जेनेटिलिया यानी कि अगर कोई आपको छाला है पेनिस पे या वेजाइना के आसपास तो वहाँ से या बलवा के आसपास बाहर से वहाँ से सैंपल लिया जाएगा ठीक है एचआईवी और हेपेटाइटिस के लिए ब्लड टेस्ट लिया जाता है हरपीज़ एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन बीमारी हरपीज सिम्प्लेक्स खासकर हरपीज सिम्प्लेक्स टाइप वन टाइप टू कोल्ड स्कोर जिसको कहते हैं बहुत ही ज़्यादा कॉमन है मतलब इतनी कॉमन है इतनी कॉमन है इतनी कॉमन है कि पूछो मत राइट जिनको uh, होती है उनको पता भी नहीं होता आई मीन हर पीस इज़ द वन विच कैन बी ट्रांसमिटेड बाय योर सलाइब ऑल्सो वेरी इजीली एंड आपके किसिंग से और इसकी कोई ज़्यादा स्क्रीनिंग टेस्ट अवेलेबल नहीं है इसका आपका वायरल इन्फेक्शन होता है आपके डॉक्टर जो आपके अगर आपको ब्लिस्टर हो रहा है कोई रैश हो रहा है तो उसकी सैम्पलिंग भेज सकते हैं या फिर हर पीज़ आई जी टेस्टिंग आती है उसके एंटीबॉडीज़ की हर पीज सिम्प्लेक्स वन एंड टू और उसमें कई बार कई सारे लोगों का आई जी पॉजिटिव आएगा बिकॉज कभी ज़िंदगी में उनको हर पीस हुआ उन हर पीस उनके शरीर में गया हो सकता है और ये बच्चों से बूढ़ों तक किसी भी में भी जा सकता है क्योंकि किसिंग विसिंग तो बच्चे भी बच्चे को भी कुछ लोग किचियाँ करते रहते हैं है ना सो दैट इज़ द प्रॉब्लम सो वट कैन वी डू और ब्लड uh, टेस्ट से भी आप पास्ट हर पीस बता सकते हैं कैसे आई जी एम पॉजिटिव है प्रेजेंट है आई जी जी पॉजिटिव है पास्ट है हर पीस टाइप वन टाइप टू हर पीज़ के कोई मेजर uh, बीमारी नहीं होती बहुत रेयर है हर पीस सिम्प्लेक्स हर जेनाइटल हर पीस इज़ दी ओनली हर पीस अगर जेनाइटल एरिया में आपको रैश आ रहा है तभी uh, कुछ थोड़ा सीरियसनेस की तरफ जा सकता है वरना हर पीस का टेस्ट सिर्फ पॉजिटिव आ जाना विदाउट एनी सिम्टम्स इज़ नथिंग टू बी वरीड अबाउट कुछ और इलाज भी करने की जरूरत नहीं होती है इफ़ इट इज़ आई जी जी पॉजिटिव HPV पी वी इज़ है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इसके एच पी वी के ऊपर एक डिटेल वीडियो अलग से भी आएगी ये जो है जिनके अंदर होता है उनके अंदर सर्विकल कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है और जेनेटल वॉट्स या वॉट्स होने का रिस्क भी बढ़ जाता है वॉट्स और कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है पैपिलोमा वायरस अब ये जो पैपिलोमा वायरस हैं कई सारे सेक्सुअली एक्टिव लोगों में मिल जाता है बिना सेक्सुअली एक्टिव लोगों में भी ये मिल जाता है लाइक एसिड सम पॉइंट कई लोगों में ये मिल जाता है और कई बार कुछ लोगों से लोगों से ये निकल भी जाता है एक दो दिनों में एक दो सालों में निकल जाता है ठीक है जो वार्ड्स आते हैं वार्ड्स के दाने आते हैं उनके ऊपर उसके विजुअलाइजेशन और उसके टेस्टिंग बायोप्सी से डायग्नोस किया जा सकता है कि ये किसका है क्या है एच के लिए और पैप्समीयर नाम का टेस्ट आपने सुना होगा लेडीज़ का होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसपे एच पी के लिए टेस्ट होता है और अर्ली डिटेक्शन होता है सर्वाइकल कैंसर का जो 21 वन टू सिक्सटी की एज में होते रहना चाहिए एवरी थ्री इयर्स में एक बार तो लेडीज़ अगर आपने नहीं कराया तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से बात करो प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर एच का टेस्ट जो है अगर आप तीस साल से ऊपर हैं तो फिर आप पाँच साल में एक बार अपना पैप्समीयर करवा सकते हैं ठीक है अगर आपका पहले वाला नॉर्मल था तो कई सारे रिकमेंडेशन है आपके डॉक्टर आपको बता देंगे आप कब कराना एच स्क्रीनिंग टेस्ट और एच की वैक्सीन भी एक अवेलेबल है याद रखिए वैक्सीन से भी आप कर सकते हैं और कुछ होम टेस्ट किट भी आते हैं कलेमेडिया एच आई के लिए जो कुछ जगहों पे एक्सेप्टेड है अगर उसमें पॉजिटिव आता है तो आप टेस्ट कराएं वापस कंफर्म के लिए अगर नेगेटिव आता है और आपको साइन सिम्टम है तो फिर भी आपको प्रॉपर टेस्ट कराने पड़ सकते हैं तो सैंपल्स आपके यूरिन ब्लड कई बार जेनेटल सैंपल्स करेक्ट होते हैं स्वैब्स कलेक्ट होते हैं तो ध्यान में रखेंगे और रिज़ल्ट जो हैं आपके डॉक्टर और लैब आपको बता देंगे पॉजिटिव है नेगेटिव है आपके डॉक्टर से ज़्यादा बेहतर और कोई नहीं बता सकता सो दिस इज़ इट अगर आपको आता है कुछ तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है डोंट फील अशेम एंग्री और अफ्रेड कई बार कुछ नॉलेज uh, की गलती की वजह से इमोशनल होके हो जाती हैं अगर हो भी जाती हैं तो इलाज करने से फ़ायदा है अब पछताए का होगा जब चिड़िया चुग गई खेत तो इससे पहले प्रिकॉशंस uh, लेना बहुत जरूरी है प्राइमरी प्रिकॉशन इज़ द बेस्ट ओके सो अपने डॉक्टर से बात करें थैंक यू सो मच शेयर करें इस वीडियो को एच के बारे में आपको पता होना चाहिए टेस्टिंग के बारे में धन्यवाद